तो देखो यार, मैं फिर से आ चुका हूँ तुम सबके जख्मों में नमक छिड़कने के लिए। देखो, मैंने 4 महीने पहले ये क्रिकेट कम्युनिटी छोड़ दी थी। वो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगा कि ये कम्युनिटी सुधर चुकी है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ इस कम्युनिटी को। तुम मैंने सोचा क्या ये कम्युनिटी सच में सुधर चुकी है, तो उसका जवाब था नहीं। वो कहते हैं ना, सुअर को चाहे उल्टाओ लिटाओ पलटाओ उठाओ कुछ भी करो, रहेगा सुअर ही। तो देखो ऐसा ही तुम्हारा हाल है क्रिकेट कम्युनिटी का। इसमें से बहुत से यूट्यूबर कहेंगे हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कर लिए, हमने 3 लाख सब्सक्राइबर कर लिए। हाँ भरोसे वालों, तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया 3 लाख सब्सक्राइबर करके। तुम्हारी क्रिकेट कम्युनिटी वालों का नॉलेज और बिना ऑक्सीजन के इंसान की रहने की पॉसिबिलिटी दोनों सेम ही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अब अगर नहीं समझ में आया तो भाई जीरो है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के इंसान और तुम्हारे क्रिकेट कम्युनिटी वालों से नॉलेज दोनों जीरो ही है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्रिकेट कम्युनिटी ऐसी है कि जिनको ई स्पोर्ट और नॉर्मल गेम के बीच में फ़र्क नहीं पता है। देखो, ई स्पोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हो, खुद को मतलब ग्रो कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। लेकिन नहीं, तुमको अभी भी चाहिए ग्राफिक्स, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारे यूट्यूबर अभी भी तुमको ड्रीम क्रिकेट वर्सेस रियल क्रिकेट 22, WCC3 ये सब कर रहे होंगे, लेकिन मैं तुमको अगर सच बात कहूँ तो रियल क्रिकेट 22 का कंपैरिजन आप ड्रीम क्रिकेट 24 से नहीं कर सकते। क्योंकि हाँ, मानता हूँ एक ग्राफिक बेस्ड गेम बहुत आगे जा सकता है, लेकिन ई स्पोर्ट में हमारे देश को सिर्फ रियल क्रिकेट ही आगे ले जा रहा है। बात तो सही है। हाँ, ग्राफिक्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखो जो नाम रियल क्रिकेट ला सकता है ई स्पोर्ट के अंदर इंडिया का, वो नाम ड्रीम क्रिकेट 24 कभी भी नहीं ला सकता। जब तक देखो ई स्पोर्ट नहीं आ जाता, तब तक तुम्हारा ड्रीम क्रिकेट 24 किसी काम का नहीं है। हाँ मानता हूँ ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करते। लेकिन हम सब, देखो मैंने तुमको पहले ही कहा है कि हमारी क्रिकेट कम्युनिटी एक पिकाचू ऑडियंस थी, है और रहेगी। बात तो सही है। मैं आज तक देख के ये चीज़ें हैरान हूँ कि मतलब एक ही बंदा एक ही टॉपिक पे 1000 वीडियो बनाता है और उनमें से मुद्दे भी अलग नहीं बताता। सेम मुद्दे, मरे हुए मुर्दे उखाड़ना और इनके मुद्दे कुछ एक जैसे ही हैं। मरे हुए मुर्दे उखाड़ने की तो उनकी बहुत पुरानी आदत है। देखो, रियल क्रिकेट ने बहुत पहले कह दिया था कि फुल टॉस बॉल इसलिए उन्होंने दिखाई थी क्योंकि देखो आकाश चोपड़ा का जो चैनल है वो सिर्फ एक रिव्यू चैनल है, तो उसके लिए ज़रूरी था। लेकिन फुल टॉस बॉल का कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। लेकिन देखो, तुमको 1 साल से ऐसा चूतिया बनाया जा रहा है और तुम बने भी जा रहे हो। हाँ देखो, अगर ग्राफिक वाइज बात करो तो रियल क्रिकेट 22 ड्रीम क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा पीछे है अभी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, रियल क्रिकेट 22 ऐसे ही शांत बैठ जाएगा? नहीं। देखो, रियल क्रिकेट 22 के पास है अनुज मांकर। देखो, अनुज मांकर को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मरे हुए गेम को एक जिंदा कर दिया। देखो, रियल क्रिकेट 22 की घंटा भी हाइप नहीं थी, लेकिन जब से अनुज मांकर आए हैं इन्होंने रियल क्रिकेट 22 को इतना ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया है कि भाई साहब पूछो ही मत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रियल क्रिकेट 23 या 24 जब आएगा, तब देखो मैं 100% साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे रियल क्रिकेट 22 और या फिर रियल क्रिकेट 22 या रियल क्रिकेट जो भी नाम रहेगा, देखो ये धमाल जरूर से मचाने वाला है रियल क्रिकेट 24 के टाइम में, यानी 2024 के टाइम में। और तुम्हारा ड्रीम क्रिकेट 24 जो बना है अनरियल इंजन से, और यहाँ पे यूनिटी इंजन से बना है रियल क्रिकेट 22। तो देखो यार, अनरियल इंजन में काम तो ज़्यादा नहीं करना पड़ता, महंगा होता है, लेकिन तुम्हारी पिकाचू ऑडियंस को ऐसा समझाना एक जैसा है। देखो मैं सच कहूँ तो खाई में से कूदना और पिकाचू ऑडियंस को समझाना, दोनों में घाटा तुम्हारा ही है। तो समझ जाओ, अभी भी वक्त है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से गेम को मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, मैं एक क्रिकेट गेमर होने के नाते मैं दोनों गेम को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच में कहूँ कि किस गेम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ रियल क्रिकेट 22, क्योंकि देखो इसके अंदर ई स्पोर्ट है जो कि हमारे देश का नाम आगे ले जा सकता है। देखो, देश से बढ़ के कुछ नहीं है, देश से बढ़ के कोई गेम नहीं है, और यहाँ पे हमारे देश को जो आगे बढ़ा रहा है वो है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट में रियल क्रिकेट 22 है, इसलिए मैं रियल क्रिकेट 22 को फुल सपोर्ट करूँगा। और देखो, जिनके पास अच्छी स्किल है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ, तो तुम ज़रूर से रियल क्रिकेट 22 में ई स्पोर्ट में करियर बनाओ। देखो ये सिर्फ इनाम की बात नहीं है, अभी सिर्फ इंडिया में ही रियल क्रिकेट 22 फेमस है ई स्पोर्ट के लिए। बट मुझे उम्मीद है और मुझे लगता भी है कि इन फ्यूचर रियल क्रिकेट 22 ई स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा करेगा और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में इसके नाम होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूबर्स हैं वो झंडे गाड़े इसमें, लेकिन ये सपना मुझे लगता नहीं कभी पूरा होगा। तो मिलते हैं देखो यार किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन देखो यार, अगर मुझे लगता है कि यहाँ की पिकाचू ऑडियंस नहीं सुधर सकती, तो मैं वापस आऊँगा और फिर से आऊँगा, आता रहूँगा, बजाता रहूँगा। तो अब तुम्हें क्या करना है समझ तो गए ही होगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो, तब तक के लिए मैं चलता हूँ।